यार बोला मेरे में एक स्टोन निकला तब भी कैंप था, तो मेरे को टेंशन नहीं आ गई क्योंकि मैंने कभी पहले ऑपरेट नहीं करवाया या डॉक्टर के ऐसे चक्रों में नहीं पड़ी थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हो गया था और मुझे बहुत टेंशन फील हो रहा था कि अभी कैसे होगा ऑपरेशन के नाम से, तो इतना डर लग रहा था। और हम लोग यहाँ पर आ गए और जिस दिन आए तो मेरे सारे टेस्ट किए और क्लियर थे, और उसके बाद मेरा ऑपरेट सेम डे हो गया। मुझे इतना स्मूथली फील हुआ कि एक तो फैमिली की तरह जैसे किसी फैमिली मेंबर ने ऑपरेट किया होता है, ये मेरे लिए भी बहुत बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हम लोग फिरोजपुर से आए हैं क्योंकि कुछ ही वीक्स पहले मेरे को काफ़ी पेन होता, वो पेन जब हमने चेक करवाया तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा गैर बोलर में मेरे एक स्टोन निकला 30 mm का, तो हमें टेंशन में आ गई क्योंकि मैंने कभी पहले ऑपरेट नहीं करवाया जाए डॉक्टर के ऐसे चक्रों में नहीं पड़ी थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हो गया था और मुझे बहुत टेंशन फील हो रहा था कि अभी कैसे होगा ऑपरेशन के नाम से, तो इतना डर लग रहा था क्योंकि ऑपरेशन ही बोला था डॉक्टर ने भी, तो इसलिए हम लोग तो मेरे जो मायका है वो जलंधर में है, हम लोग इधर आ गए हैं इलाज के लिए। तो उसके साथ साथ हम लोग जब इधर आ गए तो कुछ एक हॉस्पिटल में गए नेक्स्ट डे, वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने मुझे उसी दिन ऑपरेट के लिए रेडी कर दिया, यहाँ तक कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक रोके भी रखा। पर वहाँ का सिस्टम देख के ऐसे जानवर उनको काटते हैं, मेरा शुगर जो है वो 300 से ऊपर चला गया, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं था। एक डर मेरे अंदर आ गया और मुझे ऑपरेशन ना करने के लिए मन था कि मुझे नहीं करना, अब मैं ऐसा लग रहा था बीच में फंसी हूँ या ऑपरेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो हम लोग वापस आ गए वहाँ से शाम को पूरा दिन रेस्ट करके, जब वहाँ से वापस हम लोग आए तो फिर मेरा जो ब्रदर है उसके द्वारा एक रात मतलब कि ये सब हॉस्पिटल के बारे में पता चला, क्योंकि उसने बताया कि जो हमारी एक बुआ है संतोष करके, उनका भी कुछ महीने पहले इसी हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ है, तो वो भी उनका बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इसी हॉस्पिटल में जाओ, और उनका शायद छोटा दामाद भी इधर उनके कांटेक्ट में है उनके डॉक्टर की, तो उन्होंने उनके द्वारा बातचीत किया और मेरे भाई ने भी अपॉइंटमेंट लिया और हम लोग यहाँ पर आ गए। और जिस दिन आए तो मेरे सारे टेस्ट किए और क्लियर थे, और उसके बाद मेरा ऑपरेट सेम डे हो गया। और यहाँ पर आकर मुझे ये फीलिंग हुआ कि मेरा ऑपरेट हो गया, मुझे इतना स्मूथली फील हुआ कि एक फैमिली की तरह जैसे किसी फैमिली मेंबर ने ऑपरेट किया होता है, ये मेरे लिए भी बहुत बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इंजेक्शन से ऑपरेशन से बहुत डर था। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, इन्होंने मेरा एक इंजेक्शन लगाया, मुझे वो भी नहीं पता चला टेस्ट के लिए कैसे ब्लड निकाला और वो कैसे मुझे लगाया कैसे निकल गया। देन उसके बाद दूसरा टेंशन था कि अब मेरे जो ड्रिप लगेगी वो तो और भी टेंशन वाली होती है, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है बचपन से देखा है कई लोगों को बार बार निकालते हैं, बार बार उसको डालते हैं फिर स्वेलिंग हो जाती है, वो सीन तो मेरे दिमाग में भर गया था मेरे साथ भी वही होने वाला है। पर मैं रियली बताती हूँ कि जब उन्होंने मुझे पता भी नहीं लगा, उन्होंने ट्रिप लगा दी और सेट भी कर दिया, और जब मैंने मुड़ के देखा तो मैंने बोला अभी तक लगा नहीं, उन्होंने बोला आपके लग चुका है, तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ फिर जब ऑपरेट के लिए लेके गए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि जो सर ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने मुझे सर पे अच्छा सा हाथ रखा और डरना नहीं वो बात बोला, और उसके बाद जब बस इंजेक्शन लगाया और मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ और ऑपरेशन के बाद में बाहर आ गई, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है।